But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू द एज मीडिया न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे आयरन मैन के बारे में, एवेंजर 4 की एक इवेंट के बारे में। वो इवेंट क्या है? तो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में सारे एवेंजरों में से सिर्फ लड़ने वाला इकलौता एक एवेंजर था, वो था आयरन मैन, जो कि थैनोस से खुलेआम लड़ा, बेहिचक लड़ा। उसे किसी चीज का डर ही नहीं था कि वो एक एलियन है और मैं एक इंसान हूँ, मैं कैसे लड़ पाऊंगा। बट आयरन मैन ने कॉमिक बुक में हर एक प्रॉब्लम के लिए एक आर्मर बना रखा है, और ये प्रॉब्लम वो एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में फेस कर चुका है, जी हाँ, थैनोस से लड़कर। और पता चला है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर के बाद वो एवेंजर 4 में एक थैनोस बस्टर आर्मर बनाएगा। उन्हें हल्क से लड़ने के लिए हल्क बस्टर आर्मर बनाया था, अब वो थैनोस से लड़ने के लिए थैनोस बस्टर आर्मर बनाएगा, जो कि हमें एवेंजर 4 में देख सकता है। तो वो इवेंट 2012 का टाइम ट्रेवल का हो सकता है या कोई भी इवेंट हो सकता है, पर ये थैनोस बस्टर आर्मर कैसा दिखेगा अभी तक की कोई रूमर्स या कोई फर्स्ट लुक लॉन्च नहीं हुआ है। देखते हैं कैसा होगा। बट आपको अगर इसका फर्स्ट लुक देखना है तो आप डिज्नी XD पर एक टीवी सीरीज आती थी मार्वल दी असेंबल, तो ये बहुत ही अच्छा आता था एवेंजर का। तो इसमें थैनोस हल्क बस्टर आर्मर दिखाया है, जैसा कि आपने रिसेंट इमेज में देखा जो निकल चुकी है। और ये थैनोस बस्टर आर्मर इतना पावरफुल होगा कि हल्क बस्टर आर्मर इसके सामने कुछ भी नहीं है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्लस ये स्पेस में लड़ सकता है, अर्थ पे लग सकता है और यूनिवर्स के किसी भी सरफस में। तो गाइस काफी कमाल का आर्मर है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे या तो उसको कैप्टन ब्रिटिश के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।